लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। एक सनसनीखेज मामला सामने आया है फिरोजाबाद में। आज शादी की पहली सालगिरह के दिन ही विवाहिता आज सुबह पंखे से लटकी मिली। हालांकि उसके ससुराली जन उसे पंखे से लटका छोड़ फरार हो गए हैं। अकेली लड़की की मां घर पर थी, जिसने यह सूचना लड़की के परिवारी जनों को दी। हालांकि मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। यह पूरा वाक्या फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद थाना स्थित मेला वाले बाग का है, जहां मृतिका नेहा अपने ससुराल में पति सत्यप्रकाश व सास कृष्णा देवी के साथ रहती थी। नेहा की शादी एक साल पूर्व आज ही के दिन हुई थी। पारिवारिक कलेश के चलते आज उसका शव पंखे से लटका मिला। हालांकि नेहा के परिवार वाले इसे दहेज हत्या बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेहा व उसके पति सत्यप्रकाश के साथ आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी होती रहती थी। हालांकि मौके से सत्यप्रकाश फरार हो गया था और मां अकेली घर पर ही मौजूद थी। मां इस मामले में कुछ भी नहीं कह पा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे नेहा के परिजनों ने नेहा की सास व ममिया ससुर की पुलिस की मौजूदगी में जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस नेहा की सास को थाने ले आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी दहेज का मामला दर्ज कर जांच करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर वो क्या कारण थे कि शादी की सालगिरह के दिन ही महिला की मौत का सामना करना पड़ा। क्या घटना हुई है? मैंने अपनी बच्ची की शादी एक साल पूर्व 28 अप्रैल 2018 को की थी, जिसमें दिए गए दान दहेज से ये लोग खुश नहीं थे। मैं शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी और दिया था दान दहेज दिया था, तब भी ये लोग कह रहे थे एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दो, हम जिससे बिजनेस करेंगे। वो मैंने नहीं दिया दे पाया और ये कहता था हम आपकी लड़की को छोड़ देंगे, दूसरी लड़की की शादी कर लेंगे। माँ और बेटा और आज सुबह मुझे मेरे पास फ़ोन गया लगभग 5:30 बजे के लगभग 6 बजे, तो इनके लड़के के मामा ने फ़ोन किया ठाठ बुठा से कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली है। हम लोग यहाँ आए तो देखा कि लड़की वो ऊपर टंगी हुई थी, जबकि उसके पैर बिल्कुल उस पर मुड़े हुए थे। इसका मतलब हमें प्रतीत हो रहा है उन्होंने हमारी लड़की की फांसी लगा करके हत्या कर दी है। हाँ, ये अभी सूचना मिली कि एक महिला अपने घर में मृत पाई गई, तो यहाँ पर आके देखा वो लटकी हुई है, पंखे से लटकी हुई है, और उसके पिता मायके वाले सारे आ चुके हैं। शादी का एक साल हुआ है, आज ही उसकी शादी की पहली वर्षगांठ है, तो जैसी तहरीर मिलती है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने आरोप लगाया मायके पक्ष में दहेज के लिए हत्या की है। हाँ हाँ, वो जैसे ही वो देंगे, जैसे ही देंगे, बाकी तो विवेचना का सब्जेक्ट रहता है, लेकिन जैसी तहरीर देंगे उस हिसाब से FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।